झालावाड़ नगर परिषद के पूर्व सभापति संजय शुक्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूर्व सभापति संजय शुक्ला को फिर से अपने पद पर बहाल कर दिया। इसके बाद संजय शुक्ला आज अपने समर्थकों और भाजपा नेताओं के साथ नगर परिषद कार्यालय पर पदभार संभालने पहुंचे, जहां नगर परिषद के पार्षदों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 27 जुलाई को स्वायत्त शासन विभाग ने अपनी चुनावी नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में नगर परिषद के सभापति संजय शुक्ला को पद मुक्त कर दिया था। उसके बाद से लगातार हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा था। अब कल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने संजय शुक्ला को राहत देते हुए नगर परिषद सभापति के पद पर बहाल किया है। ऐसे में वह गुरुवार को दोपहर बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झालावाड़ नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां नगर परिषद के भाजपा पार्षदों ने उनका गर्मजोशी से माल्यार्पण कर और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी सौंपी। अब सारे मामले में नगर परिषद आयुक्त ने स्वायत्त शासन विभाग से इस मामले में मार्गदर्शन मांगा है, तो वही भाजपा नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। चुने हुए लोकतंत्र की हत्या करी थी और जिस प्रकार से हमारे सभापति संजय जी शुक्ला को सस्पेंड करा था, माननीय न्यायालय का हम स्वागत करते हैं, उनके इस न्यायालय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने बिना जांच के सस्पेंड करने को लेकर उन्होंने इस पर स्टे दिया है और जांच का विषय आगे होता रहेगा और जब तक सभापति जी को वापस स्टे मिला है और आज ये वापस कुर्सी पर बैठ रहे हैं सीट पर, तो निश्चित रूप से शहर का विकास कर विकास रुका नहीं था, विकास चल रहा था। हमारे उपसभापति जी लगातार काम कर रहे थे सीट पर और वापस आज सभापति बहाल होकर स्टे लेकर यहाँ पर आए, तो वापस आज यहाँ पर चार्ज ले रहे हैं।